हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे रेडमी के मोबाइल्स के नाम जिन पर MIUI का 12th अपडेट नहीं आने वाला। सो फ्रेंड, अगर आपके पास कोई भी रेडमी का सेट है तो आप उसे कंपेयर कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। सो फ्रेंड, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जो सबसे पहला रेडमी का सेट है जिस पर MIUI का 12th अपडेट नहीं आने वाला, वो है रेडमी 5A। फ्रेंड, रेडमी 5A पर MIUI का 12th अपडेट नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड, अगर आपके पास रेडमी 5A तो आप जान गए होंगे कि स्मार्टफोन पर MIUI का 12th अपडेट आएगा कि नहीं आएगा। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट मोबाइल की ओर। सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट मोबाइल है वो रेडमी Y1। सो फ्रेंड, जिसके पास रेडमी Y1 है उसका में 12th अपडेट MIUI का नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट मोबाइल है वो है रेडमी नोट 5 प्लस। जो रेडमी नोट 5 प्लस है उस पर भी MIUI का अपडेट नहीं आने वाला, MIUI का 12th अपडेट नहीं आने वाला। सो फ्रेंड, नेक्स्ट तीन मोबाइल है Xiaomi MIA3, MIA2 और MIA1 पर MIUI का 12th अपडेट नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है रेडमी 5। फ्रेंड, रेडमी 5 पर भी MIUI का 12th अपडेट नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट सेट है वो है रेडमी 5A। फ्रेंड, रेडमी 5A पर भी नेक्स्ट अपडेट नहीं आने वाला MIUI 12th का। सो फ्रेंड, नेक्स्ट मोबाइल है रेडमी नोट 4। सो फ्रेंड, रेडमी नोट 4 पर भी MIUI का 12th अपडेट नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा जो फ़ोन है वो है रेडमी 4A। फ्रेंड, रेडमी 4A पर भी MIUI का 12th अपडेट नहीं आने वाला, ऑलरेडी ये बंद हो चुका है बहुत ही पहले। फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है वो है Xiaomi A3। सो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है Xiaomi A3 उस पर भी MIUI का 12th अपडेट नहीं आने वाला। सो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट फ़ोन है वो है MI Max 2। फ्रेंड, MI Max 2 पर भी अपडेट नहीं आने वाला है MIUI का 12th अपडेट। सो फ्रेंड, ऐसे ही और भी दो चार और फ़ोन्स हैं जिनको अगर मैं बोलूँ तो और भी ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैंने जो कॉमन है, जो सबके पास ज़्यादा होता है, वही फ़ोन मैंने कलेक्ट किए हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो डिसलाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।